नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट महिवंदना। झारखंड विधानसभा चुनाव के रुझान सामने आने लगे हैं। झारखंड में वोटों की गिनती लगातार जारी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि झारखंड में किसी भी दल या गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी के सहयोगी उनका साथ देते हैं तो बीजेपी आराम से सरकार बना सकती है। रुझान के मुताबिक आरजेडी भी उत्साहित है। अब बिहार से भी नेताओं की खबर आने लगी है। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। देखिए, यह भी आरंभिक रुझान है, वास्तविक परिणाम के बाद ही कुछ कहना ज्यादा उचित होगा। लेकिन जनादेश झारखंड के जो सवाल है, जो वहां की परिस्थितियां हैं, वहां परिवेश, संस्कृति, कई ऐसे मौलिक प्रश्न हैं। नक्सलवाद से जूझने में सरकार की भूमिका, उनकी उपलब्धियाँ, झारखंड का सर्वांगीण विकास, ये कई ऐसे प्रश्न हैं जो इस जनादेश के जरिए परिलक्षित होंगे। लेकिन हम ये जरूर अपेक्षा करते हैं कि झारखंड की जनता ने एक स्पष्ट जनादेश दिया होगा, जिससे कि जो भी सरकार बने बगैर किसी विघ्न बाधा के अपना कार्यकाल पूरा करे, और जो भी एक रोड मैप तय हो उसमें ईमानदारी के साथ उसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो सके। तो आपने सुना कि राजीव रंजन जी क्या कह रहे हैं। उनका साफ साफ यह कहना है कि अभी झारखंड में नतीजे सामने आने बाकी हैं, इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। कब क्या हो सकता है, किसी को भी कोई कहना मुश्किल हो गया है। तो इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। आपका सहयोग समर्थन मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।